गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रैश कोर्स 9 चल रहा है आज, जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर 115 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज इस क्लास के अंदर 116 से लेकर के 135 तक जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रवेश मार्ग हो सकता है, तो इसके मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एंट्री कहाँ से होगी, तो उसमें लिखा हुआ है ए श्वसन मार्ग, बी जनन मार्ग, सी त्वचा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, मतलब इन्फेक्शन है तो वो कहीं से भी एंट्री कर सकता है, तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो की क्वालिटी के लिए आपको क्या करना होगा कि ऊपर डिवाइस के मोबाइल के ऊपर 3 डॉट आएंगे, उसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है तो ऐसा डॉट आएगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 760 की जो वीडियो क्वालिटी है वो बढ़ा दीजिएगा, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, तो इसके अंदर असेप्सिस का अर्थ है, असेप्सिस है ना, सेप्सिस और असेप्सिस दो वर्ड हैं, तो सेप्सिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन है ना, और असेप्सिस का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन है फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो असेप्सिस का मतलब क्या हुआ, ए संक्रमण से मुक्ति, बी संक्रमण का प्रवेश, सी संक्रमण का निर्गम, डी उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर असेप्सिस का मतलब क्या हुआ, करेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ए। संक्रमण बी के अंदर लिखा हुआ है संक्रमण का प्रवेश मतलब एंट्री करना, सी के अंदर है संक्रमण का निर्गत मतलब एग्जिट होना, तो एंट्री करना एग्जिट होना नहीं, इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म संक्रमण से मुक्ति, तो इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118। अस्पताल में कचरे का प्रबंधन करते समय असंक्रमित व्यर्थ पदार्थ जिसके अंदर कौन कौन से हैं, कागज़ के टुकड़े, फल के छिलके आदि को किस रंग के डिब्बे में डालते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जितना भी कचरा होता है उसको बायोमेडिकल वास्ट बोलते हैं, ठीक है ना, बायोमेडिकल वास्ट, जो हॉस्पिटल के अंदर जितना भी कचरा होता है मेडिसिन से रिलेटेड हो, बेडशीट से रिलेटेड हो, या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, पेशेंट से रिलेटेड हो, जो भी हॉस्पिटल के अंदर कचरा होता है उसको बायोमेडिकल वास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट के अंदर 4 टाइप के कलर कोडिंग के बैग रखे जाते हैं, डस्टबिन रखे जाते हैं, तो उसके अंदर कौन से बैग के अंदर कौन सा मटेरियल डालेंगे उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके अंदर ये है कि जो ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, फल के छिलके हैं, तो ये सब किस में डालेंगे, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ए लाल रंग, बी पीला रंग, सी नीला रंग, डी काला रंग। तो ये कार्बन के टुकड़े, फल के छिलके विलके जितने भी होते हैं तो उसको किसके अंदर रखते हैं काला रंग में, ब्लैक कलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ी सी बात करते हैं कि लाल रंग मतलब लाल बाल्टी है तो उसके अंदर रेड का मतलब हुआ रबड़। तो रबड़ मटेरियल होते हैं, जितने भी रबड़ से बने हुए रहेंगे हॉस्पिटल के अंदर, रबड़ से क्या है, जैसे आईवी सेट है, आईवी बोतल है ना, तो ये सब जो है रबड़ मटेरियल है, तो या ग्लोव्स है, तो ये सब किस में रखेंगे, रेड यानी रबड़ में, लाल रंग में। दूसरा है पीला, लिखा हुआ पीला का मतलब होता है पस, जितना भी हॉस्पिटल के अंदर एनाटॉमिकल वास्ट होते हैं, जो पेशेंट का प्रोसीजर करते हैं, पस निकला है, तो ये सब पस है, जैसे ड्रेसिंग कर रहे हैं तो ड्रेसिंग से जो पस का फॉर्मेशन है सब कुछ, ड्रेसिंग व्रेसिंग जो है, तो ये सारे किस में रखेंगे, पस मतलब पीला यानी पस,
तो पस से याद रखना ऐसे, रेड यानी रबड़ और पीला यानी पस। तो पस जो होता है वो किस में रखेंगे, सारा सारा पीला के अंदर, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नीला रंग। नीला का मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला, और नीला मतलब नुकीला, नीला मतलब नुकीला। नुकीला मतलब जैसे आपने देखा होगा कांच है, है ना, ग्लास है, तो या सिरिंज है, सॉरी नीडल है, तो ये क्या है कि नुकीली चीज़ें होती है, तो जो भी नुकीली चीज़ें रहेगी वो ब्लू के अंदर जाएगी, नीला। नीला मतलब नुकीला। और उसके बाद में है ब्लैक, ब्लैक यानी काला, काला मतलब कार्बन, काला मतलब कार्बन। तो जितने भी जैसे फल है, वल है, सिल्के है, और दवाइयों के जो बॉक्स है, तो ये सब कार्बन जैसे रहते हैं, तो ये सारे सब सारे के सारे किस में जाएंगे, काला के अंदर जाएंगे। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि रेड के अंदर रबड़, रेड यानी रबड़, पीला येलो यानी पीला, और पीला मतलब पस, तो पस से रिलेटेड सब जाएगा येलो के अंदर। ब्लू यानी नुकीला, ब्लू यानी नीला, नीला मतलब नुकीला, और नीला नुकीला जाएगी वो सब जाएगी अपने किसके अंदर, जैसे कांच है, ग्लास है, सॉरी सिरिंज है, तो और ग्लास भी है, कांच का जो ग्लास है, तो ये सब इसमें ब्लू वाली बाल्टी के अंदर जाएगी। और ब्लैक यानी कार्बन, ब्लैक काला होता है, कार्बन होता है, तो जिसके अंदर ये जो पेपर है, कागज़ है, और फल फ्रूट के सिल्के है, या जो दवाई के जो बॉक्स है, तो ये सब किसके अंदर जाएंगे, काला के अंदर जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक शार्ट दिखाता हूँ, शार्ट के अंदर देखिएगा, बायोमेडिकल वास्ट का शार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि येलो, येलो यानी पीला, पीला मतलब पस, तो पस से रिलेटेड यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन से इसमें जाएगा। और उसके बाद में रेड यानी रबड़, तो जिसके अंदर सिरिंज है, आईवी सेट है, कैथेटर है, ग्लव्स है, यूरिन बैग है, तो ये सारे जाएंगे इसमें। वाइट वाला इसमें कोई रोल नहीं है। और ब्लू वाला जाएगा जिसमें, ब्लू यानी नीला, नीला मतलब नुकीला, तो ग्लास है, ब्रोकन ग्लास है, एम्पुल्स है, तो ये सारे जाएंगे इसमें। और ब्लैक के अंदर जाएंगे कार्बन, कार्बन का मतलब काला, और ब्लैक का मतलब काला, काला मतलब कार्बन, जिसमें जितने भी सिल्के विल्के सब इसमें जाएंगे। ठीक है, तो बायोमेडिकल वास्ट मैनेजमेंट का एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसके अंदर सारी बात अपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 119 क्वेश्चन। जब संक्रमण ड्रॉपलेट माध्यम के द्वारा फैलता है, तो इस स्थिति में स्थिति से बचाव के लिए कौन सा आइसोलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ए इसके अंदर लिखा हुआ, ए एंट्रिक आइसोलेशन, बी रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, सी ब्लड आइसोलेशन, डी स्किन आइसोलेशन। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आइसोलेशन होगा वो होगा रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, तो इस मैंने आपको पहले भी जो कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाया था उसके अंदर ड्रॉपलेट माध्यम से जब पेशेंट कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उस कंडीशन के अंदर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मतलब छोटे छोटे बूंद के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करेंगे, है ना, जैसे उस पेशेंट को एक रूम में बंद करेंगे ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रॉपलेट के द्वारा, है ना। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक जगह पे सेपरेट कर देना, है ना, तो ये कंडीशन आइसोलेशन कहलाती है। तो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन होगा दूसरा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। एंट्रिक आइसोलेशन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फिकल मेटल, है ना, जैसे एंट्रिक पेशेंट को क्या हुआ है, डायरिया हुआ, तो डायरिया के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो इस प्रकार डायरिया है, या गैस्ट्रो एंटेराइटिस है, गैस्ट्रो एंटेराइटिस, तो ये जो डिजीज होती है उस कंडीशन के अंदर डायरिया के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पर्सन को क्या करता है कि पेशेंट को डायरिया होगा, उस वार्ड के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन, दूसरे पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर डायरिया की कंडीशन में होगा। तो एंट्रिक आइसोलेशन का मतलब है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम द डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विद फिकल मटेरियल,
जो फिकल मटेरियल है स्टूल है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको आइसोलेट करना है तो उसको एंट्रिक आइसोलेशन कहेंगे। ब्लड का आप जानते हो, ब्लड से ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड का इन्फेक्शन ना हो, तो ब्लड और स्किन आइसोलेशन का मतलब जो स्किन का इन्फेक्शन हो रखा है तो ऐसे पेशेंट को जो आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, इसके अंदर है निम्न में से कौन सी स्टरलाइजेशन के लिए काम में ली जाती है, कौन सी गैस है ना, तो उसके अंदर ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा। आपने देखा होगा कि आप जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं या आप जाओगे तो उस कंडीशन में आपकी आंखों में जलन होगा। क्यों जलन होगा? क्योंकि उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन सी गैस का छिड़काव किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव है तो वो यहाँ पे वो यदि कोई किसी कारण से आ गया अंदर आ जाता है, जैसे खिड़की खुली है या कुछ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर दरवाज़ा बार बार अंदर करते हैं खोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस से स्टरलाइजेशन के लिए काम में ली जाती है। सॉरी, नेक्स्ट है 121, शरीर में त्वचा, फेफड़ों, मलाशय एवं मूत्राशय के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों जैसे वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? ए इसके अंदर है एन्यूरेसिस, बी एलिमिनेशन, सी मिक्सुरेशन, डी रिटेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन का मतलब होना कि बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवॉलंटरी यूरिनेशन, इनवॉलंटरी यूरिनेशन उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस। और इनवॉलंटरी यूरिनेशन मतलब जैसे एक अपन जो यूरिन करते हैं तो अपन की जैसे ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिन करने का इच्छा होती है तो यूरिन करते हैं, ठीक है ना। तो ये वॉलंटरी होती है, अपन के इच्छा के ऊपर होता है। बट कई बार क्या होता है कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं और रात को सोते टाइम में बेड पे यूरिन कर लेते हैं, तो ये जो कंडीशन होगी वो एन्यूरेसिस कहलाएगा, है ना, एन्यूरेसिस कहलाएगा। इनवॉलंटरी यूरिनेशन होगा, उसका ब्लैडर है वो कंट्रोल नहीं है, बच्चा रात में सोया हुआ है, छोटे बच्चे होते हैं और वो रात में यूरिन कर देते हैं, बेड को पूरा गीला कर देते हैं, जो आमतौर पे आप देखते हैं, ठीक है ना। तो इनवॉलंटरी यूरिनेशन उसको बोलेंगे। तो इस एन्यूरेसिस का मतलब हुआ इनवॉलंटरी यूरिनेशन, मतलब उसका वॉलंटरी नहीं है, जैसे ही ब्लैडर के अंदर यूरिन आएगा वो यूरिन निकल जाएगा। उसके बाद में जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उसमें भी एन्यूरेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। और एन्यूरेसिस के अंदर जो रात में बच्चे यूरिन करते हैं उसको बोलते हैं नॉक्ट्यूरल एन्यूरेसिस। तो रात में जो यूरिन करते हैं उसको किस वर्ड से यूज करते हैं, नॉक्ट्यूरल एन्यूरेसिस, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो लिखा हुआ है मिक्सुरेशन, मिक्सुरेशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ यूरिनेशन, यूरिन करने की प्रक्रिया, एक्शन ऑफ यूरिनेशन, यूरिन करना, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मिक्सुरेशन। और उसके बाद में है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब रोकना, है ना, होल्ड करके रखना, या किसी कारण से डिजीज की वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो उसको यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन है, कुछ टर्म है, इसको याद रखना है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी, ठीक है, बी रहेगा। नेक्स्ट है, एक पुरुष में कैथेटराइजेशन करने के लिए कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है, जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करवाएंगे कैथेटराइजेशन के दौरान, ए लिथोटोमी, बी फाउलर, सी प्रोन, डी सुपाइन। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सुपाइन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। पर्सन है उसको क्या सीधा लेटाएंगे, और सीधा किसके बल, पेट के बल, सुपाइन के अंदर क्या होगा, पेट के बल, और नहीं सॉरी सुपाइन के अंदर होगा बैक लेटाएंगे, बैक के बल पे लेटाएंगे, है ना, पेट के नहीं, पीठ के बल, पीठ
पीठ के बल लेटाएंगे, ठीक है ना, पेशेंट सीधा लेटा रहेगा और उसको कैथेटराइजेशन करेंगे। दूसरा है, यदि यहाँ पे मेल की जगह फीमेल आता तो फीमेल के अंदर कौन सी पोजीशन में कैथेटराइजेशन करेंगे, रेकुबेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मैंने आपको लिखा ही है पहले, रेक्यूमबेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, रेक्यूमबेंट पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे फीमेल पर्सन को। रेक्यूमबेंट पोजीशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट लेटा हुआ रहता है, पीठ के बल सुपाइन लेटा हुआ रहता है, बट उनके दोनों ही पैर क्या रहते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ रहते हैं, और दोनों पैर के बीच में क्या होती है, जगह होती है, वो एक्सटेंड करके रखते हैं, ठीक है ना। पेशेंट सोया हुआ है और दोनों पैर क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, और उस पोजीशन में पेशेंट को क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिथोटोमी पोजीशन किस में देते हैं, डिलीवरी जो करवाते हैं तब उस लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। प्रोन पोजीशन मतलब, प्रोन मतलब पेट के बल लेटना, है ना, एब्डोमिन के बल लेटना। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा है, उसके जस्ट विपरीत लेटता है, तो उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। और फाउलर पोजीशन के अंदर मैंने बताया था आपको, कई बार बता चुका हूँ, हर एग्जाम के अंदर आता है कि पेशेंट को 45 से 60 डिग्री के एंगल पे हेड साइड से क्या करते हैं, ये मान लीजिए बेड है, उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर करते हैं, बेड को क्या करते हैं, ऐसे ऊपर करते हैं। तो ये हो गया फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन जो डिफिकल्ट इन द ब्रीथिंग कंडीशन में होती है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोनेट्रीमिया का सबसे मुख्य लक्षण है। देखो हाइपोनेट्रीमिया, यहां वर्ड आया है हाइपोनेट्रीमिया, तो देखते हैं, ए बीपी का बढ़ जाना, बी अल्टर्ड सेरेब्रल फंक्शन, सी इडिमा, डी हाइपरवोलेमिया, ठीक है ना। इस देखो, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा बी, अल्टर सेरेब्रल फंक्शन, ठीक है ना। सो ब्रेन का जो सेरेब्रल पार्ट है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ है, साल्ट लॉस हुआ है। क्या हुआ है, साल्ट लॉस। देखो यहाँ पे लिखा है, सॉरी हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया नहीं है, हाइपरनेट्रीमिया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि साल्ट का क्या हुआ है, साल्ट बॉडी के अंदर बढ़ गया है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा इसके अंदर क्या होगा कि नेट्रीमिया, यहाँ वर्ड आया क्या है, नेट्रीमिया। नेट्रीमिया का मतलब होता है, एम आई ए का मतलब होता है ब्लड, है ना, ब्लड, और नेट्रीमिया रिलेटेड टू सोडियम, है ना, सोडियम। तो इसके अंदर क्या हुआ है, सोडियम की मात्रा क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो नॉर्मल सोडियम की बात करें कि ब्लड के अंदर कितना होता है, तो 135 से 145 मिली इक्वल, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मिली इक्वल पर लीटर, है ना, मिली इक्वल पर लीटर। तो मिली इक्वल पर लीटर, तो एक लीटर के अंदर 135 से 145 मिली इक्वल लीटर होता है, ठीक है। तो ये सोडियम की नॉर्मल मात्रा होती है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि हाइपरनेट्रीमिया हो रहा हो, तो इसके अंदर क्या होगा कि सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा कि पेशेंट को जो सोडियम है ब्लड के अंदर 145 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, है ना। तो ये ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो इसका मोस्ट कॉजेज होगा अल्टर सेरेब्रल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ड्राई हीट एप्लीकेशन का तरीका नहीं है। तो इसके अंदर हॉट वाटर बॉटल और हीटिंग लैम्प, अल्ट्रावायलेट रे और हॉट फोमेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, हॉट फोमेंटेशन है, वो है ड्राई हीट एप्लीकेशन का तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ड्राई हीट और वेट हीट, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, तब आपको ये समझ में आएगा, और दूसरा इसका क्या एक्शन है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हॉट फोमेंटेशन। निम्न में से कौन सा सबसन संबंधी डिसऑर्डर नहीं है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, ए एपनिया, बी ट्रेकिपनिया, सी ब्रेडिपनिया, डी इंसोमनिया। तो इसके अंदर एक, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्या रहेगा, डी इंसोमनिया। इंसोमनिया इज ए स्लीप डिसऑर्डर। ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर मतलब, इंसोमनिया का मतलब होता है नींद का नहीं आना, लिख दीजिएगा नींद का नहीं आना,
नींद का नहीं आना, मतलब इंसोमनिया का मतलब होता है नींद का नहीं आना, तो ये स्लीप डिसऑर्डर है। दूसरा है एपनिया है, टेकिपनिया है और ब्रेडिपनिया है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से औषधि प्राप्त करने का स्रोत हैं, तो औषधि कहाँ से प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, सिंथेटिक ओरिजिन, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, मतलब सबसे औषधि प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उसके स्रोत होते हैं। दूसरे, अब आप बोलोंगे कि सूक्ष्म जीव से कैसे होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जिससे ड्रग्स बनाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अपन बाद में। पॉइजन के प्रभाव को कम करने के लिए काउंटरैक्ट के लिए पदार्थ या सबिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना, जहर को ख़त्म करने के लिए कौन सा सबिस्टेंस देते हैं, ए एंटी टिश्यूज, बी एंटीडॉट्स, सी एंटी इन्फ्लामेटरी, डी एनेस्थेटिक। ड्रग्स क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एंटीडॉट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिरिंज का भाग नहीं है, सिरिंज का भाग नहीं है, ए बैरल, बी प्लंजर या फिस्टन, सी शाफ्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसके अंदर जो जो करेक्ट आंसर है, देखिएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर है शाफ्ट, मतलब शाफ्ट है वो है सिरिंज का पार्ट नहीं है, जैसे प्लंजर हुआ, बैरल हुआ, हब हुआ, नीडल हुआ, नीडल कैप हुआ, तो ये सारे सारे क्या है, सिरिंज के पार्ट है, मैंने सिरिंज वाले पोर्शन के अंदर बता दिया। यदि आपको सिरिंज वाला आपने टॉपिक नहीं देखा है तो आप सिरिंज के टाइप, सिरिंज के पार्ट वाले वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो प्लंजर है, बैरल है, हब है, नीडल है और नीडल कैप है, तो ये सिरिंज के पार्ट होते हैं, बट शाफ्ट सिरिंज का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ऑंस बराबर होता है, मैंने आपको लिखाया था, ये भी लिखाया हुआ है क्वेश्चन, ए 60 ml, बी 40 ml, सी 25 ml, डी 50 ml, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 25 ml, 25 से लेकर के 30 ml तक होता है, 25 से लेकर के 30 ml, तो 25 आए 30 आए इसमें से कोई भी सही करना होगा। नेक्स्ट है, एक टेबल टीस्पून बराबर होता है, देखो यहाँ पे आया है एक टीस्पून, जैसे एक तो होता है बड़ा वाला टी, तो इसको इंडिकेट करते हैं टेबल से, और ये टी मतलब छोटा टीस्पून, तो बड़ा वाला टी है तो उसको टेबल स्पून बोलते हैं, उसके अंदर 15 ml रहेगा, और छोटा वाला टी है टीस्पून होता है तो उसके अंदर 5 ml काउंट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखिएगा, जो ए 5 ml, टू बी 2 ml, सी 10 ml, डी 15 ml, तो एक टेबल स्पून है बड़ा वाला है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 15 ml, यदि छोटा वाला टी रहता तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहता, 5 ml, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा अपने डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, शॉक की स्थिति में घायल के प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एक्शन होना चाहिए, मतलब पेशेंट क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, शॉक में चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ए एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करना, बी आघात के कारण का उपचार करना, सी घायल को अस्पताल पहुंचाना, डी और घायल को भरोसा देना, तो इसके अंदर शॉक की कंडीशन के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ए, उसका करेक्ट आंसर रहेगा ए रहेगा, एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को क्या करना, मेंटेन करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, वुंड का अर्थ है ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, ए ब्रेक ए इंजुरी टू द मसल्स एंड टेंडन, तो इसके वुंड है ना, वुंड का अंदर मतलब हुआ है घाव हुआ है, तो स्किन का क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, तो स्किन का ब्रेक होगा, स्किन रफ्चर होगी तो जिसकी वजह से घाव का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है, इसके अंदर लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, किसका, इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्चर होगा, ठीक है, ए ब्रेक इन द ब्लड वेसल, तो ये ए वाला है जो फ्रैक्चर की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आग से जलने पर घायल को प्राथमिक उपचार किया जाता है, पेशेंट को आग से जलाया तो उसमें फर्स्ट एड क्या करेंगे, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सर्वप्रथम विक्टिम को जलने के स्रोत से अलग करेंगे, जले हुए भाग को विसंगति गोज और साफ कपड़े से ढक देंगे, और घायल को हाइपोवोल्यूमिक आघात
के लिए आंकलन करेंगे, घायल के एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट को क्या करेंगे कि उस आग वाली जगह है तो उसकी जगह से क्या करेंगे, अलग करेंगे, वहाँ से दूर ले जाएंगे, या स्नेक बाइट हुआ है तो स्नेक बाइट वहाँ उस जगह से दूर ले जाएंगे, तो ताकि पेशेंट वो डरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी यही होती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। उसके बाद में दूसरे जितने भी है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन 134, पॉइजन शरीर में किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है, जो जहर है वो कैसे प्रवेश कर सकता है, इनगेशन मतलब खाना खाने से या खाना खाने के साथ में, इनहेलेशन मतलब जो रेस्पिरेशन लेते हैं, भाप लेते हैं उसके थ्रू से, या इंजेक्शन के थ्रू से, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, सभी माध्यम से जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्राकृतिक घटना जो अनअपेक्षित हो और अचानक से बहुत कम समय में घटित होने होकर व्यापक स्तर पर जन धन की हानि होती है, जैसे भूकंप आता है, तो ये एक क्या है, तो इसमें विपदा है, आपदा है, दुर्घटना है, या इमरजेंसी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डिजास्टर, है ना। क्या इसका आंसर रहेगा, डिजास्टर, बी आंसर इसका रहेगा, वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आज अपने पढ़े हैं 135 तक, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसके अंदर क्रैश कोर्स के अंदर डाल करके पूरा क्लियर करवाया जाएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।